नमस्कार, मैं निहल एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे न्यूज रूम में मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, प्रदेश में सोमवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 30 मई से लेकर 6 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले चरण में 8702 ग्राम पंचायत, 115 जनपद पंचायतों में 27,049 मतदान केंद्रों पर 1,49,00,000 वोटर मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी, दूसरे चरण के लिए मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। होने वाले चुनावों के लिए फॉर्म कलेक्ट्रेट पर मिलेंगे। पंच के लिए नामांकन फीस 400 रुपये और सरपंच पद के लिए 2,000 रुपये फीस तय की गई है। पहले चरण की वोटिंग की काउंटिंग 28 जून को और दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा 4 जुलाई को और तीसरे चरण के लिए 11 जुलाई को विकासखंड मुख्यालय पर होगी। वहीं 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 जून तक शाम 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद बाकी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंच सरपंच के चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 जुलाई को होगी और जिला पंचायत के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उम्मीदवारों को बिजली कंपनी का नोड्यूज और ग्राम पंचायत की NOC जमा करनी होगी। इसमें पंचायत के टैक्स और बिजली चुकता होने का प्रमाण चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनपद पंचायत से और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को जिला पंचायत कार्यालय से NOC लेने के साथ ही बिजली कंपनी का नोड्यूज प्रमाण पत्र लगाना होगा। सामान्य वर्ग की कैटेगरी को छोड़कर सभी कैटेगरी की जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इनके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न और आपराधिक मामलों का ब्यौरा भी देना होगा। बात करें अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कितने ही वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा राज्यसभा की सीट का दावेदार, लेकिन अब राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा और भाजपा की ओर से सीट पर कविता पाटीदार का नाम सामने आया है। वहीं 1 सीट के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लाल सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया, विनोद कोटिया और जितेंद्र जामदार, साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं आज शाम तक इसमें BJP की तरफ से 1 सीट पर नाम जारी किया जा सकता है। अब देखना होगा कि दूसरी सीट के लिए दावेदारी में किसका नाम सामने आ सकता है। बात करें अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के चंबल की बेटी प्राची ने वर्ल्ड कप में मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। ग्वालियर की दिव्यांग खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में ब्रोंज मेडल जीता है। उन्होंने 200 मीटर रेस में यह कामयाबी हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही प्राची ने एक कमाल करने वाली देश की पहली कयाक खिलाड़ी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र से प्राची को कामयाबी हासिल हुई है। पिछले साल जापान में पैरालंपिक में प्राची यादव मेडल से चूक गई थी। इसके बाद जब भारतीय दल लौटा तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से सभी ने बातचीत की और पीएम मोदी ने प्राची को निराश होने के बजाय वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का हौसला दिया था। उनका मंत्र काम कर गया और प्राची ने इस साल कमाल कर दिया। प्राची ने यह कमाल पोलैंड के पोजनन शहर में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में किया और भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन IKCA की तरफ से भारत के 4 दिव्यांग खिलाड़ियों के दल ने वर्ल्ड कप में भाग लिया था। 26 से 29 मई को यह आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में VL2 श्रेणी में महिला वर्ग की 200 मीटर रेस में पैरालंपिक प्राची यादव तीसरे नंबर पर रहीं। आपको बता दें कि इससे पहले प्राची टोक्यो पैरालंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी पदक जीतने में चूक गई थी। बात करें अगली खबर की, तो कोरोना वायरस के कहर से इस साल थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन अब दुनिया भर में फैल रहे मंकी पॉक्स ने दहशत बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सभी कलेक्टर, CMHO और सिविल सर्जन्स को मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के लक्षण संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है और भेजी गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो जानवरों से इंसानों में और कोरोना की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह संक्रमण फैल सकता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक सेल्फ लिमिटेड यानी कि स्वसीमित संक्रमण है जिससे इसके लक्षण सामान्यतः 2 से 4 सप्ताह में खत्म हो जाते हैं। गंभीर मामलों में इसकी मृत्यु दर 1 से 10% तक है।
यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में और एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। यह वायरस कटी फटी त्वचा, आंख, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित पशु वन्य पशु के से मानव में वायरस का सर्कुलेशन काटने, खरोचने आदि और शरीर के तरल पदार्थों एवं घाव से सीधे और अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकता है। मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों को सामान्यतः बुखार, रैशेस और लिम्फ नोड्स में सूजन पाई जाती है। मंकी पॉक्स अभी तक 21 देशों में फैल चुका है। अब तक 330 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेंशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि मंकी पॉक्स पहले सिर्फ अफ्रीकी देशों तक सीमित था, लेकिन पहली बार इसके मामले यूरोपियन देशों में भी सामने आने लगे हैं। कुछ दूसरे देशों में भी मंकी पॉक्स के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक देश में और मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज नहीं मिला है। बात करें अगली खबर की तो केरल में मानसून ने तय दिन से 3 दिन पहले दस्तक दे दी है। पिछली बार भी मानसून समय से पहले आ गया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के लिए प्री मानसून को लेकर अच्छी खबर नहीं है। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल में रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्री मानसून छत्तीसगढ़ समेत पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख कर रहा था। वहीं अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। प्रदेश में अगले 3 दिन में कहीं भी बारिश होने की ऐसी संभावनाएं जताई नहीं जा रही है। इससे उमस परेशान कर सकती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बादल छट गए हैं। हवाओं की ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा होने के कारण सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़ अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है। जबलपुर, सागर और रीवा संभागों में अभी तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही थी। अब जून के पहले सप्ताह में बारिश होने की संभावना है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक प्री मानसून की बारिश ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर और रीवा संभागों में हुई। इधर इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें नहीं पड़ी। भोपाल और इंदौर में सिर्फ एक दिन ही हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा कुछ बादल जरूर रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।